नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की। जी हाँ, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022, इसके अभी हाल ही में घोषणा की गई है। ध्यान रखना, इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत कई सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से द्रोणाचार्य अवार्ड हुआ, खेल रत्न अवार्ड हुआ, ध्यानचंद अवार्ड हुआ, अर्जुन अवार्ड हुआ, साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद हुआ। तो इन सभी अवार्ड्स को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, किन्हें दिया गया, साथ ही साथ इससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सबको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा समय वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2022 का नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। और इसकी जो घोषणा है, यह एक्चुअली में हमारे देश के युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसके अंतर्गत कई सारे अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, नेशनल खेल प्रोत्साहन अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और साथ ही साथ ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इसके अंतर्गत दिया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना है, यह जो पुरस्कार है, अभी केवल नामों की घोषणा की गई है किन किन को यह पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन यह जो पुरस्कार है एक्चुअली में दिया जाएगा 30 नवंबर को हमारे देश की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कहां दिया जाएगा? राष्ट्रपति भवन में। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, इस वर्ष का जो यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार था, यह कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे जैसे यह पहली दफा था जब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे, ठीक है, पहली दफा था जब ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे, और इसके अंतर्गत जो भी खिलाड़ी, कोच या फिर संस्थान थे, ठीक है, उनके द्वारा खुद ही आवेदन किया गया था। अब सपोज करो, जैसे मैं किसी स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हूँ, तो मेरे द्वारा आवेदन किया गया कि मुझे यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेनली इसके अंतर्गत आवेदन किया गया है, और इन आवेदनों पर विचार करने के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज KM खानविलकर की अध्यक्षता वाली एक समिति का भी गठन किया गया था। आइए अब बात करते हैं इसके अंतर्गत पहले अवार्ड की, जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यह जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार असल में पिछले 4 वर्ष की अवधि के दौरान किसी खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट और उम्दा योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत कुल 7.5 लाख रुपए तक की नगद धनराशि दी जाती है। साथ ही साथ इस वर्ष जो यह पुरस्कार है, यह दिया गया है शरत कमल अचंता को। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शरत कमल अचंता, इन्हें वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ये एक्चुअली में टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना, इन्होंने बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था वर्ष 2022 में, इसके अंतर्गत इन्होंने 3 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते थे। इसके अलावा बात अगले पुरस्कार की करें, तो जो अगला अवार्ड है, यह है अर्जुन अवार्ड। ध्यान रखना है कि जो अर्जुन अवार्ड है, यह भी पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन और साथ ही साथ इसमें लीडरशिप को भी देखा जाता है, स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और जो अर्जुन पुरस्कार है, इसके अंतर्गत जो पुरस्कार राशि है, यह 5 लाख तक की इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि दी जाती है। और इस वर्ष, यानी वर्ष 2022 का जो अर्जुन अवार्ड है, यह कुल 25 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, जिनमें सीमा पूनिया, जो कि एथलेटिक्स से हैं, इसके अलावा एल्बोस पॉल और अविनाश मुकुंद साबले, ये तीनों ही एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ लक्ष्य सेन, प्रणॉय एचएस, ये दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखना है, अमित निखत सरीन, ये दोनों ही बॉक्सिंग की हैं। इसके अलावा भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, आर प्रज्ञानंद, ये दोनों ही चेस के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है, हॉकी के खिलाड़ी दीप ग्रेस एक्का, जूडो के खिलाड़ी सुशीला देवी, कबड्डी के खिलाड़ी साक्षी कुमारी, लॉन बॉल के खिलाड़ी नयन मौनी शाइकिया, माला कुंभ के खिलाड़ी सागर कैलाश उवालकर, शूटिंग के खिलाड़ी एलावेनिल व्लारिवान, और साथ ही साथ शूटिंग के खिलाड़ी हैं ओम प्रकाश मिथरवाल। इसके अलावा ध्यान रखना है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी श्रीजा अकुला, वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी विकास ठाकुर, बॉक्सिंग के खिलाड़ी अंशु और सरिता, साथ ही साथ वाशु के खिलाड़ी प्रवीण, पारा बैडमिंटन के खिलाड़ी मानसी, गिरीश चंद्र जोशी, तरुण ढिल्लो और स्वप्निल संजय पाटिल, और साथ ही साथ डैफ बैडमिंटन के खिलाड़ी जर्डलिन अनिका जे, इन सभी को वर्ष 2022 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कितने हैं? टोटल 25 खिलाड़ी हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ इन खिलाड़ियों का नाम और ये कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। एक तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे कोई 4 नाम दे देगा, उसमें पूछा जाएगा कि अर्जुन अवार्ड इस वर्ष का किसे दिया गया है। दूसरा सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे सपोज करो, यहां से सवाल बन सकता है कि जो लक्ष्य सेन है, इन्हें वर्ष 2022 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ये किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखना है कि जो लक्ष्य सेन है, इनका स्पोर्ट्स है या कौन सा है, यह है बैडमिंटन। इसके अलावा जो अगला अवार्ड है, यह है द्रोणाचार्य अवार्ड। ध्यान रखना है, ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, सबसे पहले तो यह दिया जाता है कोचेस को, और मेनली उन कोचेस को दिया जाता है जिनके प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों के द्वारा किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट योगदान दिया गया हो, मेनली उत्कृष्ट, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया गया हो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, तो उस कोच को यह पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही साथ इस पुरस्कार के अंतर्गत कुल 5 लाख रुपए तक की नकद धनराशि दी जाती है। और इस पुरस्कार को एक्चुअली में 2 अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, और इस वर्ष 2022 के
अंतर्गत यह पुरस्कार दो अलग अलग कैटेगरीज में कुल 7 लोगों को दिया गया है। इनमें जो सबसे पहला कैटेगरी है यह रेगुलर कैटेगरी। रेगुलर कैटेगरी के अंतर्गत यह पुरस्कार श्री जीवन जोत सिंह तेजा जो कि आर्चरी के कोच हैं, इसके अलावा मोहम्मद अली कमर जो कि बॉक्सिंग के हैं, साथ ही साथ सुमा सिद्धार्थ सिरूल ये पारा शूटिंग के हैं, इसके अलावा सुजीत मान ये रेसलिंग के हैं। इन चारों को रेगुलर की कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया है, जबकि लाइफ टाइम की कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया है दिनेश जवाहर लाड जो कि क्रिकेट के हैं कोच हैं, इसके अलावा बिमल प्रफुल्ल घोष जो कि फुटबॉल के कोच हैं, और साथ ही साथ राज सिंह जो कि रेसलिंग के कोच हैं। इसके अलावा अगले पुरस्कार की बात करें तो जो अगला पुरस्कार है ध्यानचंद अवार्ड, ये एक्चुअली में लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत जो 5,00,000 रुपए तक की नकद धनराशि दी जाती है। साथ ही साथ इस वर्ष जो यह पुरस्कार है यह कुल 4 खिलाड़ियों को दिया जाना है। इनमें कौन कौन है? इनमें एक है अश्विनी आकुंजी जो कि एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, इसके अलावा धर्मवीर सिंह ये हॉकी के हैं, साथ ही साथ बीसी सुरेश ये कबड्डी के खिलाड़ी है, और नीर बहादुर गुरुंग ये पारा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जो अगला अवार्ड है यह नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड। यह पुरस्कार मुख्य रूप से किसी भी इंडिविजुअल, पब्लिक या फिर प्राइवेट कॉरपोरेशंस को दिया जाता है जिसके द्वारा मेनली स्पोर्ट्स की फील्ड में विकास और प्रोत्साहन का काम किया गया हो। अब इसके ये जो पुरस्कार है यह भी एक्चुअली में 3 अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है। इनमें जो पहली श्रेणी का पुरस्कार है यह दिया गया ट्रांसटीडा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को, जिसके द्वारा कई सारे यंग टैलेंट्स को खोजा गया और उन्हें ट्रेनिंग भी मुहैया कराई गई। साथ ही साथ जो दूसरा कैटेगरी है इसके अंतर्गत यह दिया गया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को, और जो तीसरा पुरस्कार है तीसरी कैटेगरी अंतर्गत यह पुरस्कार है यह दिया गया लद्दाख स्काई एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को। इसके अलावा बात अगले पुरस्कार की करें तो जो अगला पुरस्कार है यह मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, और यह जो पुरस्कार है यह मेनली किसी भी विश्वविद्यालय को दिया जाता है, खासतौर पर उस विश्वविद्यालय को जिसके द्वारा किसी भी इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया गया हो। इसके अंतर्गत इस वर्ष का जो पुरस्कार था मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी यह दिया गया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जाते जाते आपके लिए एक सवाल भी, आज का हमारा सवाल है जो निखत सरीन है जिन्हें अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये कौन से खेल से संबंधित है? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो वैसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।